सबों को मेरा खुश आमदीद। इस आज के दिन बड़ा अच्छा दिन है, धूप भी निकली हुई है, मौसम भी अच्छा है और आप सब लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज हम जो है सीखेंगे गॉड द होली स्पिरिट। हमने गॉड द फादर, गॉड द सन एंड वर्ड ऑफ गॉड, ये तीन सीख चुके हैं एंड गॉड द होली स्पिरिट जो है आज हम सीखेंगे, क्योंकि मैंने चैप्टर 4 जो है वो मैंने तीन भागों में लिया था, तो ये चैप्टर 5 है जो कि मैं ले रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं इससे काफ़ी आशीषित हो रहे हैं और होते रहेंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। यार खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं एक बार फिर से तेरे पास आते हैं, तू हमारे को ये दिन दिखाया, उसकी महिमा करते हैं, तेरी सृष्टि की महिमा करते हैं जो तुमने हमें दी है, ताकि हमारे आसपास से हम प्रकृति को एंजॉय कर सकें। प्रार्थना करते हैं उन अजीजों के लिए जो कि आज का जो मैसेज है, संदेश है, उसको सुनेंगे, उनको पवित्र आत्मा से भर दे और मुझे भी पवित्र आत्मा से भर, ताकि जो मैं बोलूँ वो तेरे मर्जी के मुताबिक बोलने वाली बनूँ और लोग इसको सुने और आशीषित हों, तेरे नज़दीकी में आने वाले बने। यही मेरी प्रार्थना आज के लिए, आमीन। ओके, तो हमने देखा था गॉड द फादर, गॉड द सन और गॉड द होली स्पिरिट आज हम देख रहे हैं। और ये जो है बता रहा हमें कि यीशु मसीह की जो मृत्यु हुई सलीब पर, अगर देखा जाए उसके बाद वो जिंदा भी हुए, पुनरुत्थान भी हुआ उनका, और फिर उसके बाद जो है वो आसमान में चले गए। अगर हम प्रेरितों के काम 1:8 में देखेंगे तो उन्होंने चेलों ने यीशु मसीह को स्वर्ग पे स्वर्गारोहण देखा, आसमान में जाते देखा, और यीशु मसीह ने उन्हें बताया था कि मैं जब जाऊंगा तो मैं एक सहायक भेजूंगा, और उसने जो है अपना वायदा पूरा किया। और पेंटिकॉस्ट के दिन हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा जो है चेलों के ऊपर नाजिल हुआ। तो यहाँ पे प्रेरितों के काम 15:28 में लिखा हुआ है, इस तरीके से बता रहा पौलुस हमें कि पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर बोझ ना डालें। तो पवित्र आत्मा को अगर हम देखें तो उत्पत्ति 6:3 में भी देखा जाए तो हमें पवित्र आत्मा के बताया कि जब परमेश्वर ने बोला आओ हम मनुष्य की सृष्टि करें, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि पवित्र आत्मा, जैसे हमने पिता को देखा, जैसे हमने पुत्र को देखा, और उसी तरीके से हम पवित्र आत्मा को भी देख रहे हैं। यहोवा ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लो और विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं जब नूह का तूफान आ जाता है तो उसके बाद जो है मनुष्य की उम्र भी घटा दी जाती है, और बोला उसकी उम्र 120 होगी। और यहाँ पे देखा जाए कि पवित्र आत्मा जो है किस लिए आया, उनका 12:12 में अगर देखें, पहली बात तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा के बारे में जो कि मत्ती 28:19 में लिखा हुआ है कि तुम जाओ और उनको प्रचार करो, उनको सिखाओ, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें क्या करो, बपतिस्मा दो। अच्छा, यहाँ पे जो है पवित्र आत्मा का नाम लिया गया है। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो पवित्र आत्मा एक कबूतरी के उसमें भेष में यीशु मसीह के ऊपर नाजिल हुआ, और परमेश्वर भी शामिल था, ये मैंने देखा पिछले लेसन में आपको बताया, और उसने जो बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है इससे मैं बेहद प्रसन्न हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं कि बपतिस्मा पे भी तीनों का रूल था, क्रिएशन में भी तीनों ने एक साथ रूल किया। अब लूका 12:12 में देखें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और क्या काम है जो कि पवित्र आत्मा के हैं। लूका 12:12 में यहाँ जाएंगे हम, और यहाँ पे देखते हैं क्या हमें बताया गया है। 12:12 मैं सोचती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं इसको घर में जब बैठते हैं फैमिली के साथ, तो जो मैं टेक्स्ट आपके साथ पढ़ती हूँ या बताती हूँ, आप उसको आपस में बैठ के उसको पढ़ें और आपको और ज़्यादा आशीष मिलेगी।
बारह बारह में लिखा हुआ है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना है। चेले बड़े घबराते थे जब यीशु मसीह ने बोला कि मैं चला जाऊंगा और मैं सहायक को भेजूंगा, तो ये समझ नहीं आता कि सहायक क्या करेगा उनके लिए। उनको बड़ी घबराहट हो रही थी और यीशु मसीह ने उनसे बोला पवित्र आत्मा तुम्हें उसी घड़ी सिखा देगा कि तुम्हें क्या बोलना। ये बहुत हद तक जो है बहुत सही भी है, मैं मानती हूँ इस चीज को, क्योंकि जो मैं बोलना मांगती हूँ कभी कभी वो पवित्र आत्मा के जरिए वो और कुछ मैं बोल जाती हूँ, और वो जो है पवित्र आत्मा का काम है जो मेरे मन पे करता है और जो लोगों को छूता है, और ये मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा जब मेरे मन में काम करता है तो हमारा जो काम है और आसान हो जाता है। हम देखते कि पवित्र आत्मा का जो है हमने बोला कि वो शुरू से था, मती 12 का 12 में देखेंगे, 12 31 में यहाँ पे देखें पवित्र आत्मा जो है वो क्या करता है, पवित्र आत्मा के क्या है जो कि यहाँ पे हमें बता रहा है 12 का 31। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। सब प्रकार का पाप हमारा क्षमा हो जाएगा, लेकिन ये कह रहा है पर जो कोई मनुष्य के विरोध में कोई बात कहेगा उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कितना अच्छी तरह से बताया कि अगर हम पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ बोलेंगे हमारा गुनाह जो है वो माफी के लायक नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि लूका 1:35 में अगर देखा जाए तो पवित्र आत्मा का बहुत अहम रोल है यीशु मसीह के बर्थ में या जन्म में। He was playing a great role in the birth of Jesus Christ because we all know that he was conceived of the Holy Spirit. So when we know that he was conceived of the Holy Spirit, when we know he was at the time of the birth of Jesus Christ, and when we know that he was at the time of the baptism of Jesus Christ, and therefore Luke 12:12 says, sin against the Holy Spirit is not going to be forgiven. So we can see how important Holy Spirit is in our life. हमारी जिंदगियों में जो है पवित्र आत्मा का अहम रोल है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो एक परमेश्वर ने उसको भेजा, यीशु मसीह आसमान में चले गए। He works as executor. जो काम परमेश्वर नहीं करता है इस जमीन पे हमारी जिंदगियों में वो पवित्र आत्मा हमसे करवाता है, क्योंकि वो हमारे साथ है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा जैसे पिता और पुत्र थे शुरू से, वैसे ही पवित्र आत्मा भी शुरू से था। यहाँ पे कह रहे हैं परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। ओके, पहला करिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। अगर न्यायियों 6:34 में देखें तो पवित्र आत्मा जो गिदोन के अंदर चलेगी, जो अमालिकी लोग जो उनको तंग कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा गिदोन में आ गया। और हम जानते हैं कि गिदोन ने जब पहली बार जब लोग इकट्ठे किए तो 30,000 आ जाते हैं, और परमेश्वर ने कहा नहीं ये बहुत ज्यादा है। और हम जानते हैं कि 300 लोगों से अमालिकियों पे गिदोन को परमेश्वर के द्वारा विजय हासिल हुई। तो परमेश्वर किसी भी तरीके से पवित्र आत्मा के जरिए हमारे जिंदगियों में करता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर समा जाता है तो जो परमेश्वर चाहता है वही पवित्र आत्मा करता है। यहाँ पे देखें कि निर्गमन 31:3 में अगर देखा जाए गॉड कॉल्ड मोसेस एंड इंस्ट्रक्टेड हिम दैट ही हैज चोजन बजालेल। ओके, ये एक मनुष्य है जो कि लेवी खानदान से था, लेकिन इसको याजक का पद नहीं मिला था, लेकिन इसको जो पद मिला था वो था कि जो कुछ भी कारीगरी का काम है मंदिर का वो इसके अंदर पवित्र आत्मा समा गया। उसके जरिए जो है मंदिर का जितने भी आभूषण है, मंदिर के सजावट के, मंदिर के जो वेदी है या और भी जो बर्तन है या जो भी चीजें मंदिर में थी, उन सब की जो कारीगरी है वो बजालेल के द्वारा की गई, और उसके साथ और भी लोग थे, लेकिन मेन जो कारीगर जो था वो बजालेल था।
पवित्र आत्मा की मिशन क्या है। यहाँ पे देखा जाए कि ये कह रहा है पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम 16:7 में कि वो हमारे साथ है। और एक बार मैं इसको पढ़ूंगी, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में हम देखेंगे कि यहाँ पे 16:7। ओके, मैं सोचती हूँ आप लोगों को और ज्यादा क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंच के बिथुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। ओके, यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक ही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पिरिट ऑफ गॉड और स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, ओके, दे आर ऑल वन। ओके, रोमियो 8:9 में भी इसी चीज का जिक्र किया गया है। यूहन्ना 14:16 में हम देखेंगे कि यहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे में क्या बताया गया है। यूहन्ना 14:16 में यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा, ओके, अपने चेलों से कह रहा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। यहाँ पे यीशु मसीह बता रहे हैं कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास जो है पिता जो है एक सहायक के तौर पे पवित्र आत्मा को भेजेगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ है। ना यीशु मसीह को क्या जरूरत थी कि पवित्र आत्मा को चेलों के पास भेजे? बहुत जरूरत थी। अगर आप हम जानते हैं कि जहां जहां यीशु मसीह नहीं जा सकते थे वहां वहां चेलों के साथ पवित्र आत्मा गया। जहां जहां यीशु मसीह हमारे साथ नहीं जा सकते थे जमीन पर रह के, वहां वहां पवित्र आत्मा हमें लेके जाता है और उनके दिलों को छूता है, लोगों को। जब हम समाचार या संदेश लोगों को बताते हैं, पवित्र आत्मा वो काम करता है एक सहायक के तौर पे, उन लोगों के मनों में समा जाता है ताकि उनके दिलों में जो है परिवर्तन आ सके और मसीह को वो ग्रहण कर सके। वो कह रहा है, आई विल प्रे टू द फादर, ओके, मैं पिता से विनती करूंगा। दूसरा इसका 16:18 में देखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में, यहाँ पे इसका मिशन क्या है। 16:18 यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, तब उन्होंने कहा, ये थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। ओके, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 17वीं आयत में, ये यहाँ पे जो है यीशु मसीह जो है इन्हें बता रहे हैं कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और ये इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। ओके, थोड़ी देर में क्या मतलब है? यीशु ने ये जान के मुझसे ये बता रहा, मांग रहे थे मुझे किस फॉर्म में देखोगे, पवित्र आत्मा के फॉर्म में, तुम मुझे थोड़ी देर में देखोगे, अभी नहीं देखोगे मुझे, लेकिन मैं पिता के पास जाता हूँ और अपने लिए तुम्हारे लिए मैं सहायक भेजूंगा। तो यहाँ पे जो है किस तरीके से पवित्र आत्मा जो है लोगों के मनों में काम करती है। यूहन्ना 3:5 में देखा जाए, यूहन्ना 3:5 नया बपतिस्मा, नई बर्थ, नए जन्म के बारे में बताया गया है पवित्र आत्मा के थ्रू। जब मनुष्य बपतिस्मा ले लेता है तो उसकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। जिस तरीके से नई शुरू जिंदगी शुरू होती है, वो इस तरीके से शुरू होती है कि वो जो है बपतिस्मे में वो अपने पापों को जो है पानी के नीचे चला जाता है, उसकी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई जो पाप भरी जिंदगी थी, और नए सिरे की जिंदगी से शुरू होती है जब वो पानी से ऊपर आता है। तो ये जाहिर करता है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, 3:5 में लिखा हुआ है कि इस तरीके से लिखा यहाँ पे, ये निकोडिमस जो था, आप लोग जानते हैं कि यीशु मसीह के पास रात में आता, दिन में नहीं आता, और यीशु मसीह से वो कहता है कि हे रबी, हम जानते हैं यूहन्ना 3:2 में 2 आयत में कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, ओके, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर के से ना हो तो नहीं दिखा सकता। तो निकोडिमस बड़ी अच्छी तरह से जानता था, सनहेड्रिन काउंसिल का ये मेंबर था,
और बड़ी महान जो है जिसमें एजुकेटेड क्लास लोग ही बैठते थे, उसका ये बड़ा अच्छा इसका इज्जत थी उन लोगों में। और ये रात के समय यीशु मसीह के पास आता है और यीशु ने उसको बोला कि ये कहता है, क्योंकि वो जानता है कि जो परमेश्वर यीशु मसीह कर रहा है वो परमेश्वर के मुताबिक ही कर रहा है। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं दे सकता। निकोदिमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? हम देखते हैं कि निकोदिमस जो है, इवन दो ही वाज एन एजुकेटेड क्लास ऑफ अ मैन, बट ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट क्राइस्ट वाज ट्राइंग टू टेल हिम, एंड इट्स वेरी इजी दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट क्राइस्ट इज ट्राइंग टू टेल अस थ्रू हिज होली स्पिरिट। सो ही वाज ट्राइंग टू टेल हिम कि वो दूसरी बार क्या जन्म लेगा माता के गर्भ में जाके। लेकिन यीशु मसीह ने उसको उस चीज को निकाला। यीशु मसीह ने पांचवी आयत में बताया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ना ले वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह यहाँ पे जो है नए सिरे की जिंदगी जो बता रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया। जब वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए, तो उससे पहले जब वो यूहन्ना बपतिस्मा ने बोला, देखो वो परमेश्वर का मेमना। और यीशु मसीह ने के पास जब यीशु मसीह जब उसके पास आते हैं, वो कहता है, गुरु मैं तो तेरे जूतों की लेस भी खोलने लायक नहीं हूँ। मतलब यमुना को बड़ा अजीब लग रहा था कि गुरु को उसको बपतिस्मा देना है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा व्यवस्था के अनुसार ऐसा ही होने दो। और फिर यमुना बपतिस्मा देने वाले ने उसको बपतिस्मा दिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि होली स्पिरिट का जो है ये नाम है इसका पैराक्लेटोस। ओके, होली स्पिरिट को अगर देखा जाए पैराक्लेटोस बोला गया, जिसका मतलब है अगर हिंदी में उसका अनुवाद किया जाए तो सहायक, ओके, हेल्पर, काउंसलर, एडवाइस देने वाला, और हमारा बिचौलिया, बिचौलियों का भी काम करता है। तो ये है पैराक्लेटोस, ये ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है जिसके होली स्पिरिट के बारे में ये बताया गया है। ये हमारा एडवोकेट, ओके, बिचौलिया है खुदा के और हमारे बीच में। यीशु होली स्पिरिट जो है ही गाइड्स अस टू क्राइस्ट। यीशु मसीह ने कहा, जहाँ मैं नहीं जा सकता वहाँ पवित्र आत्मा जाएगा, इसलिए उसका काम है कि वो हमें मसीह के नज़दीक ले जाए। जब हम प्रार्थना करते हैं, आप सोचते होंगे कि हम कहते हैं हमें पवित्र आत्मा से भर दे। क्यों हम कहते हैं पवित्र आत्मा से भर दे? हम इसलिए कहते हैं कि ताकि पवित्र आत्मा जो है वो हमारे मनों को छूता है। जो यीशु मसीह यहाँ रह के नहीं कर पा रहे थे, तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में रह के वो करता है। जब भी हम पवित्र आत्मा की मदद मांगते हैं, वो हमेशा हमारे पास ही रहता है, हमारे मनों को छूता रहता है। पवित्र आत्मा को जो है इब्रानियों 10:29 में अनुग्रह का आत्मा भी कहा गया है। इब्रानियों 10:29 अनुग्रह का आत्मा, वो परमेश्वर के पास सच्चाई को लेकर आता है। अगर हम झूठ भी बोलें, अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे देखा जाए यूहन्ना उसका 14:17 में अगर देखें, तो यहाँ पे फिर से हम जाएंगे 14 अध्याय में, 14:17 यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, 14:17 में, अर्थात सत्य की आत्मा, ओके, पवित्र आत्मा को सत्य की आत्मा कहा गया, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है। तो हम क्यों उसको ग्रहण नहीं कर पाते? क्योंकि हम पवित्र आत्मा को नहीं देख सकते। हम यीशु मसीह को देख भी नहीं देख सकते, क्योंकि एक पाप की जो पर्दा है वो उसके और मेरे बीच में है, इसलिए हम उसको नहीं देख सकते। इसलिए इसे पवित्र सत्य का आत्मा कहा गया, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। हम जानते नहीं, पर पवित्र आत्मा हमारे मन में काम कर रहा है, समझना भी नहीं मांगते हैं। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में हमेशा रहेगा। अगर हम पवित्र आत्मा को अपने मन में आवाज इन्वाइट करें, तो हमारे मनों में वो पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जो है 16:17 में मैंने पढ़ लिया, और यहाँ पे जो है
16 के सातवें अध्याय, 16वें अध्याय के सातवीं आयत में इस तरीके से लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह का जाना हमारे लिए क्यों अच्छा था? ताकि जहां पे यीशु मसीह हमारे साथ नहीं जा सकते, यीशु मसीह गलील, बैतसदा, बैतलहम, नाजरत, इन एरियाओं में घूमे, बैथनी, गार्डन ऑफ गेथसेमनी, लेकिन हर जगह जहाँ चले जा रहे थे, कोरिन्थ में, जोपा में, ये जगह जगह पे जब पौलुस गया है तो पवित्र आत्मा उसके साथ रहा है। जहां जहां पतरस गया है वहां वहां पवित्र आत्मा उसके साथ रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए जाना क्या है, बहुत ही जरूरी है। 16 का साथ मैं पढ़ रही थी। अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है, एक सहायक की जरूरत है। मैं तुम्हें ऐसे ही हालत में नहीं छोड़ूंगा। 14:17-18 में देखा जाए, यूहन्ना 14:17-18, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा और वह तुम्हारे साथ रहे, अधर सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने जो है एक आश्वासन दिया चेलों को, यदि मैं नहीं जाऊं तो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा, और मैं तुम्हें जो एक अनाथ के तौर पर नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए सहायक के तौर पे भेजूंगा जो कि तुम्हें हर पल पे तुम्हारी गाइडेंस करता रहेगा। हम जाएंगे प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय में अगर देखें तो यहाँ पे देखते हैं पवित्र आत्मा और क्या करता है। 13:1-4 में हम देखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। और जहाँ जहाँ आप चाहते हो ये आप अपनी बाइबल में अगर अंडरलाइन करोगे तो जब आप अगली बार कोई भी रेफर करना मांगते हो तो जो अंडरलाइन आपने किया रेड या ग्रीन या ब्लू या ब्लैक से, जिससे भी आप करना मांगते हो तो आपको एकदम दिख जाएगा। अगर किसी से आपने बाइबल स्टडी भी करनी है तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बाइबल को जो है नया ना छोड़ें, उसको मार्क करते रहें। जहाँ जहाँ मुझे पवित्र आत्मा छू रहा है मेरे मन को, वो वर्स मैं अंडरलाइन करूँ और अपना नाम डाल के अगर मैं करूँगी तो वो मेरे लिए और ज़्यादा मायने रखता है। प्रेरितों के काम 13:1-4 में इस तरीके से लिखा है, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास, शमोन जो नेगर कहलाता है, लुकियस, कुरेनी, चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनोहम, एंड शाऊल। जब वे उपवास रहित सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा में ऐसे नहीं मिल जाता कि गॉड फिल मी विद माय होली स्पिरिट, नो, ही इज नॉट गोइंग टू गिव यू द गॉड। नाउ व्हेन वी लुक एट हियर इन वर्स 2, इट सेज जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। हमें अगर पवित्र आत्मा की जरूरत है तो हमें उपवास करके, प्रार्थना करके, सच्चे मन से अपने मनों को साफ करके हमें प्रभु के पास जाना है। ये कह रहा उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए लव करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो पवित्र आत्मा जब हमारे मनों में काम करता है तो हमें दूसरे लोगों से अलग कर देता है और अपने प्रभु के काम के लिए हमें जो है वो चुन लेता है। बरनबास और इसको चुन लिया उसने, शाऊल जिसको बाद में हमने पॉल भी बोला है, इन दोनों को मेरे लिए अलग कर दो क्योंकि ये मेरे लिए सेविकाई का काम करेंगे। 13:9 में लिखा हुआ है यहाँ पे, तब शाऊल ने जिसका नाम पौलुस भी है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगा के देखा। परिपूर्ण कर दिया उसे पवित्र आत्मा ने, अपने अपनी आत्मा उसके अंदर भर दी। ये है पवित्र आत्मा का काम, जिसके अंदर परमेश्वर चाहता है कि ये पवित्र आत्मा से भर जाए और मेरी सेविकाई में लगे तो उसको पवित्र आत्मा से वो भर देता है। यहाँ पे अगर हम देखें कुछ लोग हैं, जैसे अगर देखा जाए तो दाऊद के ऊपर जो है जब उसे राजा के लिए अनाउंट किया गया, या शाऊल को जब राजा के लिए अनाउंट किया गया, 1 सैमुएल
10, 6 और 10 में और 16 के 13 में जब शाउल को अनाउंस किया गया सैमुएल लेकर आया कुप्पी तेल की अभिषेक करने के लिए, तो उसके अंदर पवित्र आत्मा भर गया। इसी तरीके से दाऊद के ऊपर भी ऐसा हुआ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये दाऊद और सॉल में जो है जब सैमुएल ने उनका अभिषेक किया तो उसके अंदर जो है उसकी आत्मा समा गई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला करिन्थियों 12:7-11 में ये और टेक्स्ट पढ़ेंगे, जिससे पहले मैं बंद करूँ। पहला करिन्थियों उसका 12:7-11 में यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला करिन्थियों 12:7। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैं प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, ओके, पर उसने मुझसे कहा मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हम देखते हैं कि वो शाउल जो कि मसीहों को मारने, उनको तड़पाने, उनको घरों से खींच के निकालना मांग रहा था, उनको खत्म करना मांग रहा था, वो शाउल जो है जब उसको मारा जाता है तो परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर है। तो परमेश्वर का अनुग्रह जो है ये कहना मेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हमें अपने आप को निर्बल बनाना है तभी हम परमेश्वर में मजबूत हो सकते हैं। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। यही पौलुस है जो कि शाउल था जो दूसरों को सताता था, यही शाउल है जो कि पौलुस बन गया है। वो क्या, उसने अपने आप को क्या बना लिया, संकटों से घिरा हुआ, उसने अपने आप को निंदा का पात्र बना लिया, उसने अपने आप को दरिद्र बनाया। आपको और हमें भी यही जरूरत है कि हम अपने आप को दरिद्र निंदा का पात्र, जब लोग हमें ताड़ते हैं तो मसीह की अगर हम देखें कि मसीह को कितना कितना सताया गया, उनके घूसे मारे गए आंख बंद करके, उनको बेइज्जत किया गया, उनके कपड़े तक भी वो कर लिए। तो अगर कोई हमें इस तरीके से ताड़ रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए जो है मसीह ही सब कुछ है, मसीह का अनुग्रह मेरे अंदर है, मसीह की आत्मा मेरे अंदर है। जिस तरीके से पौलुस के अंदर मसीह की आत्मा आई उसी तरीके से हमारे अंदर भी पौलुस की पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर भी आ जाती है। 19:2 प्रेरितों के काम में जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से लिखा है 19:2 में, यहाँ पे 19:2 अपोलोस कोरिन्थस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया, वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया। अब विश्वास करते समय और उन लोगों ने क्या जवाब दिया, उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। पौलुस कह रहा अच्छा उसने उनके ऊपर क्या करा, उसने उनसे कहा तो फिर तुम में से किसका बपतिस्मा लिया, उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने तो ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो कोई मेरे बाद आने वाला उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। तो हमें यीशु पर विश्वास करना है तभी हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं। हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तभी मिलेगा जब हम उस पर विश्वास करेंगे। देखा जाए मत्ती 28:19 में बड़ा अच्छा लिखा है कि यीशु मसीह ने अपना इस दुनिया को छोड़ने से पहले चेलों से जब वो बाद में मिल रहे थे और उन्हें हिदायत दे रहे थे, क्या हिदायत दी 28:19 में, यहाँ पे बड़ा अच्छा है, ये हम लोग बहुत यूज करते हैं। हर शख्स, हर मसीही जो प्रचार करता है वो इसका प्रचार भी करता है। इसलिए तुम जाओ
सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ पे देखो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का ना जिक्र किया गया है, और ये कह रहे हैं गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट इज द टाइम ऑफ बैप्टिज्म। जब हम विश्वास करके मसीह में बपतिस्मा लेते हैं तो हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं। यहाँ पे यूहन्ना 15 का 5 में पढ़ना मांगती हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से जिक्र किया गया है। यूहन्ना 15 का 5, और ये जो है बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 15 का 5 यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें और वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के लिए भी यही जाहिर है, अगर हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम खाली बर्तन है, शोर मचाते रहेंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। तो आइए हम देखें कि ये जो परमेश्वर का जो दान है, पवित्र आत्मा का जो दान है, परमेश्वर आज आपको और मुझे दे रहा है, और हमें पूरी भरपूर तरीके से इसको प्राप्त करना है। कैसे? उसके विश्वास में। आइए, लेट्स ट्रस्ट गॉड, बिलीव ऑन हिम एंड गेट द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर लाइव्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स प्रे। Father in heaven, once again, we want to thank you for keeping us safe throughout the night, showing this beautiful day. I have taken the message to the people. God, it's your work now to touch the hearts of all the people with your Holy Spirit. So the Holy Spirit touches the hearts of the people who are going to be the listener to this message, and they may be able to make things right with God. I want to submit all of them, who will be listening to this message. Accept my prayer now. Accept me as I am. Amen.